हमारी सैलरी आज तक नहीं आ रही थी, पौने दो महीने हो गए, ना किसी डेलीवेज की सैलरी आई और ना किसी रेगुलर की सैलरी आई, इवन मेरे चीफ इंजीनियर की सैलरी नहीं आई। और हम छोटे लोग हैं, हमारा गुजारा हमारी सैलरी पे है, कोई और इनकम नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया ताकि आला हुकाम तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे कि हमारे मेरे गवर्नर साहब ये जाने कि मेरे मुलाजिम कैसे गुजारा कर रहे हैं। देखिए, ये अफसोसनाक हादसा है कि हमारी सैलरी आज तक बंद है। जब हमारे लॉसेस 90% थे तब तो सैलरी रोज आती थी, पहली तारीख को आती थी। अब लॉसेस में भी कमी हुई है और रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। हम तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा कुछ। इसीलिए आज हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि अगर हमारे मुलाजिम, मेरे डिलीवेजर्स काम कर रहे हैं, मेरे रेगुलर, मेरे क्लर्क काम कर रहे हैं, मेरे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी क्यों बंद रखी गई। इसमें हमारी डिमांड वाजिया है, इससे पहले भी हमने की, मगर उस पर सितम जरीफी और उन डिमांडों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऊपर से हमारे अब सैलरीज बंद हो गई है। आज 21 तारीख है और 21 तारीख तक हमारी कोई सैलरी नहीं है। हमारे बच्चे या बहुत सारों के बच्चे भूखे हैं, स्कूलों में फीस नहीं है और आज 21 तक चली गई। शायद आइंदा इनका लायमल होगा, दो दो तीन तीन महीने की शायद देंगे इकट्ठी शायद, मगर हमारा काम नहीं देखते हैं। बर्फ हो, बारिश हो, किसी भी जगह कोई भी एक फर्द आकर कहे कि हमने बिजली नहीं चलाई, पहाड़ों तक हमने बिजली पहुंचाई, सैलाब में हमने बिजली रेस्टोर की है, बर्फ में हमने बिजली रेस्टोर की है, इसमें रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले हमारे डिलीवेजर्स भाई। तो बाकी मुतालबात हमारे हैं, अगर सैलरी निकली भी, जो हमारे बाकी मुतालबात है, कोर कमेटी उसमें फैसला लेगी मिल बैठकर कि आगे का लाइमल क्या होगा।